हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गोमफ्रेना का प्लांट है। इस पर काफ़ी हैवी फ्लावरिंग हुई थी और हवा और बारिश के कारण इसकी कुछ ब्रांचेस टूट गई थी, वो मैंने अलग कर दी है। मैं आपको इसके सीड्स के बारे में बताती हूँ। ये देखो, मैं अभी इसको फूल को तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा नीचे से सूखने लगा है, तो ये समझो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे से जैसे सूखने लगा है ना, तो इनको तोड़कर अगर आप डालोगे 2-4 दिन में, उससे प्लांट्स उगाते हैं। ये पूरा फूल सूख जाएगा, तब आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए, इसको चूरे करके, तब ये काफ़ी सारे प्लांट्स आपको दे देगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही उग रहे हैं, मैंने इनको कोई भी ऐसे मिट्टी में लगाए नहीं थे, क्योंकि टूट कर गिर जाते हैं तो एक ही जगह बहुत सारे पौधों का गुच्छा सा बन जाता है। उनमें से मैं थोड़े थोड़े हटा देती हूँ, जो प्लांट्स बड़े से हो जाते हैं उनको अलग पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ भी देखो, काफ़ी सारे प्लांट्स इस पॉट में अपने आप ही उग आए थे और मैंने इनको हटाया नहीं था, तो ये बड़े हो गए और 1 महीना हो गए इन पर फ्लावरिंग हो रही है। मैं रोज़ तोड़ती हूँ, माला भी बनाती हूँ भगवान जी के लिए, बड़ी प्यारी लगती है, आर्टिफिशियल जैसी लगती है। ये देखो कितने क्यूट से फ्लावर होते हैं और कलर भी इनका चेंज नहीं होता, 1 महीने तक ऐसा का ऐसा ही, टूटने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहता है इनका कलर। देखो ये मैंने DIY बनाया था और ये रहा इसका गोमफ्रेना का प्लांट है। ये मैंने अलग पॉट में शिफ्ट कर रखा है। ये मैंने इसकी टिप कटिंग कर दी थी ताकि ये शेप ले सके।